आ गई है बाजार में नई BMW X5। बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ बदला है इस SUV में। इस वीडियो में आपको हम वो सब कुछ बताने वाले हैं जो X5 में अलग है पहले से। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम साइज़ की बात करें तो X5 पहले से थोड़ी बड़ी हो गई है, जो एक अच्छी बात है। बड़ा यानी बेहतर, खास तौर पर जब बात होती है SUVs की। चेहरे पे काफ़ी कुछ नया है। अगर हम किडनी ग्रिल को देखें तो साइज़ तकरीबन बराबर है, लेकिन एक अहम फीचर इस M4 मॉडल में ये है कि इसमें आपको इल्यूमिनेटेड ग्लो मिलता है, जो हमने कंपनी की काफ़ी प्रीमियम कार्स में देखा है, वो यहाँ भी आ गया है। और एक और बड़ा फ़र्क जो है X5 में, वो ये है, नई मैट्रिक्स अडैप्टिव LED हेडलैम्प्स यहाँ मिलती हैं ब्लू एक्सेंट्स के साथ। दिखने में वाकई शानदार दिखती हैं और ऑफकोर्स काफ़ी इफेक्टिव भी हैं काम करने के तरीके में। साइड में आते हैं, एक बड़ा बदलाव X5 में है, ये ज़्यादा बड़े, पहले से बड़े 21 इंच के M-Sport alloy wheels काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। और ये M-Sport पे ब्लू ब्रेक कैलिपर्स भी बहुत बढ़िया लगते हैं। जैसा मैंने कहा कि साइज़ में बढ़ गई है तो काफ़ी दमदार दिखती है कार, और रूफ रेल्स भी दिए गए हैं, वो भी एक अच्छी बात है। और फिर हम आते हैं कार के पिछले हिस्से में, और यहाँ भी एक अहम फ़र्क है, वो ये कि टेल लैंप्स का डिज़ाइन बदल गया है, और ये भी काफ़ी अच्छी दिखती हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप उसको पिछले मॉडल से कंपेयर करते हैं तो बहुत आसानी से आप पहचान जाएंगे कि ये नई X5 है। तो क्या है नया नई X5 के कैबिन में? डैशबोर्ड को अगर आप देखें तो उसका लुक काफ़ी हद तक बदल गया है। जहां सबसे बड़ी चीज़ है, ये नया BMW का वाइड स्क्रीन कर्व्ड डिस्प्ले, ये वाकई कार के लुक में चार चांद लगा देता है। 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर है, 14.9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, तो काफ़ी बड़ा है, कार की साइज़ से बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। और फीचर्स की तो यहाँ कमी है ही नहीं, इसमें नया BMW का ऑपरेटिंग सिस्टम 8 दिया गया है, जो पहले से काफ़ी बेहतर है, और बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। हाँ, एक बात जो शायद आपको पसंद ना आए वो ये कि यहाँ फिजिकल बटन पहले से कम हो गए हैं, तो काफ़ी सारे फंक्शंस आपको टच स्क्रीन से ही एक्सेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा इस M-Sport में आपको एक कम्फर्ट सीट पैकेज मिलता है, जिसके साथ वेंटिलेशन भी आ जाता है। साथ ही साथ कार में प्रीमियम फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं, जिसमें 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है, एक हार्मन कार्डोन का साउंड सिस्टम है, और हाँ, एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ भी आपको X5 में मिल जाएगा। X5 के सेकंड रो में मिलती है काफ़ी जगह, स्पेस की कोई कमी नहीं है। नी रूम की बात करें, हेडरूम की बात करें, सब बढ़िया है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, जैसा मैंने कहा, 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल, और हाँ, बहुत सारे चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, और यहाँ भी एक यूनिक जगह है हेडरेस्ट के नीचे। और नए X5 में आपको मिलता है एक स्प्लिट टेलगेट, ये देखिए। नई X5 में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं। जहां पेट्रोल में ताकत ज़्यादा है, वहीं डीजल में टॉर्क ज़्यादा है। और एक अच्छी बात यह है कि अब इनके साथ एक 48-volt का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी आ गया है। एक और बढ़िया बात यह है कि चाहे आप M-Sport लें या X-Line लें, आपको दोनों में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। अंत में बात कर लेते हैं कीमतों की। नई X5 की शुरुआती कीमत है 93,90,000 रुपये पेट्रोल X-Line के लिए, जो जाती है डीजल M-Sport के लिए 1,06,90,000 रुपये एक शोरूम तक।